नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन, इन सभी टॉप लीडर्स के पास दुनिया के सबसे पावरफुल प्राइवेट जहाज हैं। लेकिन पीएम मोदी के जहाज की बात ही कुछ अलग है। ये है पीएम मोदी का एयर इंडिया वन, जो कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है कि मोदी जी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइवेट जेट्स की कीमत 8400 करोड़ है और उनको एक घंटे तक उड़ाने में 1,30,00,000 रुपए क्यों खर्च हो जाते हैं, आओ 3D में देखते हैं। इस जहाज को आप उड़ता हुआ बंकर भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर पीएम मोदी पे मिसाइल से भी अटैक हो जाए तो उसके लिए एयर इंडिया वन में हाईली एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम लगा है, जो इसकी तरफ आ रही मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। इस जहाज के इलेक्ट्रिक वॉरफेयर जैमर को ऑन करने से आसपास मौजूद दुश्मन एयरक्राफ्ट्स का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और पीएम मोदी के एयर इंडिया वन की बॉडी बहुत ही मजबूत आर्मर प्लेटिंग से बनी हुई है, जो कि लगभग अनब्रेकेबल है और जिसे छोटी मोटी मिसाइल्स तो कभी नहीं तोड़ सकती। इस क्लाउडी चैफ और फ्लेयर्स को ऑन करने से एयर इंडिया वन दुश्मन से छुप जाता है और जहाज मिसाइल से बच के निकल सकता है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम की हेल्प से जहाज की तरफ आ रही इंफ्रारेड मिसाइल्स को भी डाइवर्ट किया जा सकता है। एयर इंडिया वन में एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम भी लगा है, जो रडार और इंफ्रारेड सेंसर्स की हेल्प से अपने आसपास के खतरों को भांप लेता है। इस जहाज का कॉकपिट भी किसी बंकर से कम नहीं। इस कॉकपिट की विंडशील्ड, जहाज की सारी विंडोज और फ्यूल का टैंक भी मिसाइल और बुलेट प्रूफ है। अगर पीएम मोदी को इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ जाए तो ये जहाज जमीन के साथ साथ पानी में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते समय पीएम मोदी के साथ साथ 50 से 60 लोग और ट्रैवल करेंगे। आओ देखते हैं कि ये लोग कौन है। सबसे पहले, मोदी जी का एयर इंडिया वन किसी मामूली पायलट द्वारा नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के 3 से 5 पायलट्स द्वारा उड़ाया जाता है, जिनको की एडवांस ट्रेनिंग मिली होती है लड़ाकू विमान उड़ाने की। और ये पायलट्स कॉकपिट में और इस सेल्फ प्रोटेक्शन सूट में बैठते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर आते हैं शिव प्रकाश पे, जो कि पीएम मोदी के सेक्रेटरी हैं। उसके बाद बारी आती है एसपीजी कमांडोज की, जो कि क्लोज कॉम्बैट हथियारों से लैस होके पीएम की प्रोटेक्शन के लिए पूरे जहाज में ही तैनात रहते हैं। और एयर इंडिया वन में 30 से 40 एसपीजी कमांडोज हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले और इंटरेस्टिंग 3D वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कभी सफर के दौरान पीएम मोदी या कोई और पैसेंजर बीमार हो जाता है तो उसके लिए एक 6 लोगों की हाईली क्वालिफाइड मेडिकल टीम सारे ही मॉडर्न इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मशीनों के साथ इस हाईटेक मेडिकल सूट में हमेशा तैयार रहती है। एयर इंडिया वन में ट्रैवल कर रहे लोगों के खाने पीने और बाकी सुख सुविधाओं की देखभाल के लिए हाईली ट्रेंड सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद रहता है, जिसमें कुक्स, क्लीनर्स, एयर होस्टेस और बाकी सर्वेंट्स भी होते हैं। पीएम मोदी को छोड़ के एयर इंडिया में सफर कर रहे हर एक क्रू मेंबर को जहाज में एंट्री देने से पहले उनको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें मॉडर्न मशीन्स की हेल्प से हर एक बंदे को अच्छे से स्कैन किया जाता है। एयर इंडिया वन का ये वीवीआईपी सूट नरेंद्र मोदी के आराम के लिए है। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए ये 2 कॉन्फ्रेंस रूम भी हैं। ये जहाज एक सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से इक्विप्ड है, जिसके जरिए पीएम मोदी दुनिया के किसी भी कोने पे ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए इसमें अवेलेबल है ये हाईटेक मेडिकल सूट। और ये सेल्फ प्रोटेक्शन सूट वही रूम है जहाँ से इस एयरक्राफ्ट के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डिप्लॉय होते हैं। एयर इंडिया वन को पावर देने के लिए ये जेट इंजन्स दुनिया के सबसे पावरफुल जेट इंजन्स हैं, जो कि 1,75,000 हॉर्स पावर की पावर जनरेट कर सकते हैं। ये जहाज ऑन एवरेज 910 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकता है और मैक्सिमम 45,000 फुट ऊंची उड़ान भर सकता है। पीएम मोदी इस एयर इंडिया वन के जरिए 17 घंटों तक नॉनस्टॉप फ्लाई कर सकते हैं। ये जहाज उन कमर्शियल जहाजों में से एक है जिनको की हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है, वो भी अनलिमिटेड बार। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस एयर इंडिया वन की देखभाल AIESL करता है। मोदी जी के पास ऑलरेडी एक बोइंग 747 जंबो जेट एयरक्राफ्ट था, लेकिन उनको एक नए जहाज की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के मात्र 2 महीने बाद ही नरेंद्र मोदी एक जानलेवा खतरे से बाल बाल बचे। हुआ ये कि 17 जुलाई 2014 को यूक्रेनियन नॉर्दर्न रेबल्स ने मलेशियन एयरलाइन का MS-17 एयरक्राफ्ट मिसाइल से उड़ा दिया,
जिसमें लगभग 300 पैसेंजर्स की मौत हो गई। और सेम उसी रूट के उसी पॉइंट पे कुछ टाइम पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बोइंग 747 जम्बो जेट एयरक्राफ्ट भी गुजरा था, जिसमें पीएम मोदी ब्राजील से इंडिया वापस आ रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली इस जहाज में मिसाइल अटैक से बचने की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर वो अटैक कुछ सेकंड्स पहले हो जाता तो पीएम मोदी की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। और इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने एक मीटिंग में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने की बात की। कई और मीटिंग्स और डिस्कशंस के बाद जनवरी 2018 में एसपीजी ने एयरक्राफ्ट मॉडल डिसाइड किया और यूएसए की बोइंग कंपनी को दो स्पेशल बोइंग 777-300ER एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दे दिया। जब ये जहाज यूएसए के टेक्सास में तैयार हो ही रहे थे, तभी बीच में कोरोना पैंडेमिक ने एंट्री मारी, जिसकी वजह से इन पे काम काफी धीरे हो गया। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 को वो दिन आ ही गया जब इंडियन एयरफोर्स और एयर इंडियन एयरलाइंस की टीम इन दोनों एयरक्राफ्ट को एक के बाद एक टेक्सास से दिल्ली ले आई। इन दोनों एयरक्राफ्ट को बनवाने से लेके इंडिया तक लाने में 8400 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च हुए। और अब इन एयरक्राफ्ट को AI-1 यानी एयर इंडिया 1 के नाम से जाना जाने लगा। एयर इंडिया 1 एयरक्राफ्ट्स की डील की खबर जब 2020 में बाहर आई तो कई बुद्धिजीवियों ने इसमें सवाल खड़े करते हुए पूछा कि 130 करोड़ पॉपुलेशन वाली डेवलपिंग कंट्री में पीएम और प्रेसिडेंट के लिए 8400 करोड़ की लागत के एयरक्राफ्ट्स, जिसका एक घंटे का खर्च है 1,30,00,000 रुपए, कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद।